अमेठी में फिर से लगी जमीन बचाने की गुहार। बेचारे की जमीन पर हो रहा है कब्जा। जमीन पर लगा पानी की टंकी बनाने का आरोप। प्रधान और सचिव पर लगा आरोप। अमेठी जो अब तक गांधी परिवार के कारण काफी चर्चा में रहा, जिस अमेठी को उसकी राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, वही अमेठी अब दबंगई और गुंडई की वजह से फेमस होती जा रही है। ऐसा कहने की वजह है यहाँ से लगातार आ रही दबंगई की शिकायतें। रोजाना कोई ना कोई बेचारा और दुखियारा जमीन पर कब्जा होने और उसकी शिकायत करने पर कार्रवाई ना होने से बिलख रहा है। इस बार मामला कमरौली थाना क्षेत्र के सिठौली से आया है और यहाँ पानी की टंकी बनाने में विवाद शुरू हो गया है। जिस पानी की टंकी से पूरा गांव पानी पिएगा, उस टंकी के बनने से ही गांव में एक युवक परेशान हो गया है। यहाँ रहने वाले श्रवण कुमार ने शिकायत की है। श्रवण कुमार का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती पानी की टंकी बनाई जा रही है। श्रवण की माने तो उन्होंने SDM से मामले की शिकायत की तो उन्हें काम रुकवाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन काम नहीं रुका। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार गुप्ता। क्या मामला है आपके जमीन का? सिठौली ग्राम पंचायत में सठौरा जमीन हम लिए थे, हमारे बैनामिक जमीन थे। पीड़ित का कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, वो काफी ज्यादा परेशान हैं और अगर ये काम पूरा हो गया तब तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में ये भी लिखा है कि उन्होंने अपनी जमीन को घिरवा भी लिया था, लेकिन उसे गिरा कर जबरन इस टंकी का निर्माण होना शुरू हो गया है। पीड़ित ने कई बड़े आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।